কার্বি বিদ্রোহী সংগঠনেরে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিত স্বাক্ষরিত হয়েছে ঐতিহাসিক চুক্তি। ছটাক কার্বি বিদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কে এল এন এল এফ, পি ডি সি কে, ইউ পি এল এ আর কে পি এল টির তিনটা গোটর সঙ্গে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই শান্তি আলোচনার সময় উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর মুখ্য কার্যবাহী তুলিরাম রংহাং আর ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। এয়া এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। লগতে এই শান্তি চুক্তির জড়িয়তে অশান্ত জর্জর কার্বি পাহাড়লৈ শান্তি ঘুরি আহিব বলে আশা করা হয়েছে। कैबिनेट में मेरे साथी और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल जी, जिनको आज से मेन स्ट्रीम में आकर कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के पूरे विकास की जिम्मेदारी लेनी है, ऐसे सभी पांच संगठनों के मेरे कार्बी आंगलोंग से आए हुए प्रतिनिधि भाइयों, यहाँ पर उपस्थित असम सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, डीआईबी अरविंद शर्मा जी, श्री अक्षय जी, डीजीपी असम, चीफ सेक्रेटरी असम, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट और उपस्थित सभी को आज मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में बहुत लंबे समय के बाद शांति के युग की शुरुआत हो रही है। मेरा दोस्त जो कार्बी आंगलोंग से आए हुए है, सारा मेरा दोस्त और सारे ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव, पहले ये हमारा स्टेट के लिए बहुत ही आज हिस्टोरिक डे है। हम सब जानते हो कि जब असम एजिटेशन शुरू हुआ, असम एजिटेशन कंक्लूड हुआ इन 1995, आज हमारा जो दूसरा वर्ग था कार्बी समाज, उसी समय से एक अशांति शुरू हुआ था एक डिमांड को लेके। ये डिमांड जस्टिफाइड भी था, एक्सप्लोइटेशन भी था, समाज में एक पिछड़ापन भी था। आज ये सबको समझने का बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आग्रह में एक कार्बी आंगलोंग एकॉर्ड हम लोग करने जा रहा हूं। इस एकॉर्ड का जो बुनियादी ढांचा है कि पहला बार कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में कार्बी और शेड्यूल ट्राइब लोगों को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है।